लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए। यहां मैंने आपको बार बार बताया, कुरान मजीद में हिदायत के दो माना आते हैं। हिदायत किसे कहते हैं? गाइडेंस को, रहनुमाई को। तो उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हर जबान में रहनुमाई के दो मतलब ही होते हैं। एक रहनुमाई यानी गाइडेंस का मतलब होता है आप किसी को सीधा रास्ता बता दें, इसको भी गाइडेंस कहते हैं। एक गाइडेंस ही होती है आप उसको उस पर चला भी दें, यानी ऐसे असबाब और वसाइल के, जैसे आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा हो, यार मैंने सदर जाना है, तो होता ये कि आप उसको रास्ता बता दें, भाई यहाँ से जाओगे सीधे हाथ में मुड़ोगे, उल्टे हाथ में मुड़ोगे, वगैरह वगैरह। और एक होता है चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो कुरान में ये दोनों माना में हिदायत इस्तेमाल हुआ, कभी किसी और माना में, कभी दूसरे माना में। तो जो हिदायत के इन दो मीनिंग में फर्क नहीं कर पाते वो कन्फ्यूज होते हैं। बात आ गई समझ में? जैसे कुरान में आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर, सीधे रास्ते की हिदायत दे, दुआ मांग रहे हैं ना। लेकिन हमने सूरह बलद में पढ़ा था वहदैनाहुन्नजदैन, हमने इसको दोनों रास्ते हिदायत कर दिए हैं। तो जब अल्लाह ने दोनों रास्ते हिदायत कर दिए हैं तो हम फिर सीधे रास्ते की हिदायत क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह तो कह रहे हैं मैंने तो सीधा भी की भी हिदायत कर दी और गलत की भी हिदायत कर दी। तो वहां हिदायत का माना कुछ और है, सूरह फातिहा में हिदायत का माना कुछ और है। सूरह बलद में हिदायत का माना यह है कि अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखा दिए। जब सूरह फातिहा में हम अल्लाह से हिदायत मांगते हैं तो मुराद दिखाना नहीं है, ए अल्लाह हमें वहां तक पहुंचा दे, चला दे, या हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे दे। बात आ गई समझ में? तौफीक का लफ्ज बहुत इस्तेमाल होते हैं कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में, कहते हैं अल्लाह तौफीक देगा तो ये काम कर लेंगे। ये तौफीक की डेफिनेशन क्या है? अरे आप किसी को बोलो यार तुम कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, कह रहे यार अल्लाह जब तौफीक देगा तो पढ़ लेंगे। अच्छा, बाज लिबरल लोगों को इस तौफीक के लफ्ज पे बड़ा एतराज होता है कि यार जब अल्लाह ही तौफीक देगा तो फिर हमने जब देना होगा तो दे देगा, नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, वो तो अल्लाह की तौफीक से होता है ना। तो तौफीक कहते हैं, तौफीक निकला है देखें विफाक, मुवाफकत, इससे निकला है मुवाफिक। कहते हैं ना ये चीज मेरे मुझे मुवाफिक नहीं आ रही, आपने भिंडी खा ली ज्यादा, आप पहले ही बलगम था आपको, सफरा बड़ा हुआ था, हकीम लोग कहते ना आप भिंडी आपको मुवाफिक नहीं आएगी, वो रेशा पैदा करती है। ऐसा ही है ना, आप यरकान के मरीज थे, आपका हेपेटाइटिस हुआ हुआ है और आप देसी अंडे कच्चे पी रहे हैं, मुवाफिक आएंगे? अभी मैं तौफीक के लफ्ज़ को समझाने के लिए मिसालें दे रहा हूँ। लोग कहते हैं पता नहीं क्या फजूल चीज़ें, भाई इसी तरह समझाया जाता है ना, तौफीक मुवाफकत से। कहते ना ये अंडा आपको मुवाफिक नहीं आएगा, आप तो पहले ही जिगर के मरीज हैं। तो मुवाफिक का माना मुनासबत हो जाए। तो तौफीक ये निकला है वफ़का युवफ़िकु तौफीकन, सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहन से, तौफीकन यानी किसी चीज को किसी चीज के मुवाफिक कर देना। जब हम किसी अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे अगर मुवाफकत हो जाए उस रास्ते से तो स्पीड से चलेंगे, वो रास्ता हमारी नेचर और तबीयत से अगेंस्ट जा रहा हो, रुकावटें खड़ी हो रही हो, तो वो इसका मतलब वो हमारे मुवाफिक नहीं हो रहा। तो अल्लाह को ये कुदरत है कि अच्छे रास्ते को आपके मुवाफिक बना दे, ये भी कुदरत है। बना देगा तो हम कहेंगे अल्लाह ने तौफीक दे दी है आपको, यानी ये रास्ता आपके मुवाफिक बना दिया। और अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिल रही। तो अब इसकी इस्तिलाह में जो तारीफ है तौफीकी, जालुल असबाबी मुवाफिकतल लिल मतलूबिल खैर, गाड़ी जबान इस्तेमाल की है, आसान समझा देता हूं। आपका जो नेक मकसद है तो उस मकसद को तक पहुंचने के लिए आपको जो असबाब और वसाइल चाहिए, तो अल्लाह वो असबाब और वसाइल ऐसे पैदा कर दे जो आपको आपके नेक मकसद तक पहुंचाने में मदद दें। तो कभी अल्लाह की तरफ से ना ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, कभी अल्लाह की तरफ से रुकावटें होती हैं, तो आजमाइश बढ़ जाती है इंसान की, ऐसे मौके पर इंसान हथियार डाल देता है। तो ये मतलब है तौफीक का।
कि अल्लाह ताला वो असबाब जो आपके नेक मकसद तक पहुंचने के लिए कुछ असबाब चाहिए ना, तो अल्लाह वो असबाब आपके लिए क्या कर देता है, आसान। तो अब क्या मतलब, हम कहेंगे भाई कुदरत की तरफ से भी आपकी मुआफ़त हो गई है, कुदरत की तरफ से भी आपको तौफीक मिल रही है। लिबरल लोग, लिबरल तो नहीं कहना चाहिए, जो एथियस्ट हैं, जो मुल्हिद हैं, वो कहेंगे नेचर आपका साथ दे रही है। नेचर क्या कर रही है, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी ना, वो सुनामी का तूफान की, तो उस पे किसी मुल्हिद ने लिखा था नेचर इज एंग्री, फितरत बहुत गुस्से में। हम कहते हैं अल्लाह का गजब है ना, जलजला आ रहा है, तो जो मुल्हिद हैं वो सब किस चीज के खाते में डाल देते हैं, नेचर के, कि नेचर गुस्से में। हालांकि नेचर बजाते खुद तो कोई चीज ही नहीं है, तो नेचर टेंशन में, नेचर गुस्से में, नेचर आपसे खुश है। कुरान ने भी कहा ना कि जिंदगी ऐसी मिलेगी क़यामत के दिन, वो जिंदगी आपसे खुश होगी, ये तो मजाजन कहा है कुरान मजीद ने। तो यहां मतलब है, यहां जो हिदायत है, हुदन, ये किताब हिदायत है। यहां हिदायत से मुराद, पहले मैं आगे मुत्तकीन का मतलब बताऊंगा ना, फिर एक इश्काल करूंगा, उसके जवाब में ये बात समझ में आएगी। मुत्तकीन किसे कहते हैं, कई दफा बता चुका हूं, परहेजगार लोगों को मुत्तकी किसे कहते हैं, परहेजगार, बचने वाले, गुनाह से, बुराई से इज्तिनाब करने वाले, अवॉइड करने वाले, जिसे आजकल कहा जाता है। इज्तिनाब जरा गाढ़ा लफ्ज हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान कह रहा है कि ये किताब हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए। सवाल पैदा होता है, एक जगह कुरान कह रहा है हमने हर एक को हिदायत दे दी है, हर एक को हिदायत, वहदई नाहुन नजदई, हमने हर एक को हिदायत दे दी है। तो पहला सवाल तो ये होगा, यहां कुरान कह रहा है हिदायत हर एक के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए, मुत्तकीन के लिए। तो ये दो आयतें आपस में क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। दूसरा इतराज ये होगा, मुत्तकी कहते हैं गुनाह से बचने वाला, तो जो पहली बचने वाला है उसको हिदायत की जरूरत क्या है। बहुत मुश्किल है बात समझाना भाई। हम हिदायत का तर्जमा ये करते हैं, पहला, दोबारा से सब दिमाग से निकाल दें, दोबारा इश्काल दोहराता हूं मैं। सवाल पैदा होता है, कुरान सूरह बलद में कह रहा है कि हमने हिदायत दे दी है इंसान को, दोनों रास्तों की हिदायत हमने दे दी है। यहां कुरान कह रहा है सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है, किसी और के लिए नहीं है। ये एक एतराज, दो आयतें टकरा रही हैं। इस एतराज का जवाब हम यूं देते हैं कि वहां हिदायत का माना था रास्ता दिखाना, यहां हिदायत का माना हम लेंगे रास्ते पे चलाना। तो मुत्तकीन को यह सीधे रास्ते पे चलाएगा, दूसरों को नहीं चलाएगा। यह इश्काल तो ऐसे हल हो गया, लेकिन इस जवाब में एक दूसरा इतराज खड़ा हो जाता है कि मुत्तकी तो कहते ही उसको जो सीधे रास्ते पे चल रहा हो, तो जब वो चल रहा है पहले से, तो उसको चला के क्या कर लिया भाई कुरान ने, हिदायत है उसके लिए जो सीधे रास्ते पे, अरे क्या हो गया, हिदायत है उसके लिए जो सीधे रास्ते पे चल रहा है, यानी उसको सीधे रास्ते पे चलाएगा। हिदायत का ये माना ले रहे हैं ना कि उसको सीधे रास्ते पे चलाएगा, किसको चलाएगा, जो परहेजगार है, तो वो तो पहले ही चल रहा है। तो हमने एक इश्काल का जवाब दिया तो दूसरे इश्काल में फंस गए। उसका जवाब ये है, ये चीजें जब तक आप, ये उसूल कुरान की तफसीर के लिए जब तक आप नहीं समझेंगे ना, कुरान समझ में नहीं आएगा। और आजकल जो ज्यादातर जो मुतजद्दीदीन और जो सरसरी तौर पे तफसीरें पढ़ रहे हैं, बाकायदा अरबी ग्रामर की गहराई में जाके मदरसों में बैठ के इल्म हासिल नहीं करते, उनमें बड़ा फॉल्ट ये होता है कि वो इन चीजों का जवाब नहीं जानते। तो यहां ये बात याद रखें, अरबी जबान में बसा औकात जब ऐसा होता है, कई दफा ऐसा होता है कि कोई काम बोलकर उस काम का इरादा मुराद होता है, हकीकत में वो काम मुराद नहीं होता, और बाज दफा काम बोलकर दावा काम मुराद होता है। मिसाल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। इसको कहते हैं फेल बोलकर इरादा है फेल, और कभी फेल बोलकर दावा है फेल। ठीक है, दावा फेल की मिसाल दूं, कुरान मजीद में आता है सूरह सफ में जो है ना, सूरह सफ 28वें पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, ए ईमान वालो ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। सहाबा ये कहा करते थे कि जिहाद फर्ज हो गया तो हम करेंगे, जब एकदम फर्ज हुआ तो बाज लोग जाहिर परेशान हो गए कि भाई अभी क्यों, मुनाफिकीन तो पीछे ही हट गए बिल्कुल ही,
तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसी बात कहते क्यों हो जो करते क्यों नहीं। अब इस आयत को लेके हम लोग क्या करते हैं कि कोई शख्स खुद अमल नहीं कर रहा लेकिन बात अच्छी कर रहा है, तो हम कहते हैं जब करते नहीं हो तो बातें क्यों करते हो, ऐसी बात कहते क्यों हो जिस पर खुद अमल नहीं है। ये आयत वहां फिट कर देते हैं ना। क्या हो गया भाई? देखो कोई आदमी आपसे आके कह रहा है यार नमाज पढ़ लिया करो, आप उससे कहते हैं तुम खुद पढ़ते हो, कहते हैं मैं तो नहीं पढ़ता लेकिन मैं मुजाकरा कर रहा हूँ यार, अच्छा तुम्हें भी तरगीब दूँ, हम भी पढ़ लेंगे इस बहाने। भाई लोग कहते हैं ना शक्ल अच्छी नहीं हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए, तो सिर्फ ये शक्ल के बारे में नहीं है, आमाल भी अच्छे ना हो तो बात तो कम अज़ कम अच्छी करनी चाहिए। तो आप फौरन उसे ये आयत सुनाएंगे जब खुद नहीं पढ़ते, तो कुरान तो कह रहा है लिमा तकूलूना माला तफालून, तुम वो काम क्यों करते हो जिस पर खुद अमल, वो बात क्यों करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। ये है ना, हालांकि ये आयत इसके बारे में नहीं है, इसलिए कि यहाँ तकूलूना कौल है, ऐसा कहते क्यों, यहां कहने से मुराद कहना नहीं है, कहने का दावा करना है। माला तफालून, वो काम क्यों करते हो, वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो, क्या मतलब, सॉरी बात का दावा नहीं, उस काम का दावा है, यानी वो बात क्यों कहते हो जिसके दावे खुद करते हो। तो ऐसी चीज का दावा करना गलत है जिस पर आप अमल ना कर सको, क्योंकि आयत का शान नुज़ूल क्या है कि सहाबा ने कहा जिहाद जैसे ही फर्ज होगा हम करेंगे, तो एक काम का दावा किया ना, तो अल्लाह ने फरमाया वो बात कहते क्यों हो जो कर नहीं सकते, यानी उस बात का दावा क्यों करते हो जो कर नहीं सकते। तो यहां जिहाद मुराद नहीं है बल्कि जिहाद का दावा, फेल बोलकर दावा फेल मुराद है, वो काम जिसका तुम दावा करते हो, तो वो काम उसके दावे मत किया करो, दावा उसी काम का करो जो कर सकते हो। तो ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है जो बोंगियां बड़ी बड़ी मारते हैं, हम ये कर देंगे हम यूं कर देंगे, जब करने का टाइम आता है तो पतली गली से निकल जाते, तो उनको ये कहा जाएगा कि जो काम कर नहीं सकते थे वो कहां क्यों तुमने। तो ये उन लोगों के बारे में आयत जो मुनाफिकीन थे जो बड़े बड़ी बोंगियां मार रहे थे और फिर भाग गए, तो उनको ईमान वालों से ताबीर कुरान ने इसलिए किया कि जाहिरी तौर पर उनको ईमान वाला ही समझा जाता था, क्योंकि कुरान उनको काफिर कह देता तो कहते हमें जो काफिर ही कह दिया तो अब हमें किस चीज का मुतालबा कर रहे हैं हमसे। दूसरा, बाज दफा ऐसे होता है कि कुरान मजीद में फेल बोलकर इरादा फेल मुराद होता है, यहां तो दावा फेल है ना, वहां क्या होता है इरादा फेल, जैसे कुरान में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, ए ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो, अपने हाथों को धो कोहनियों तक, वमसहु बिरुउसिकुम, और अपने सर का मसा करो, वअर्जुलकुम, और पांव को धो। अब सवाल पैदा होता है अल्लाह जब खड़े ही हो गए तो अब क्या धोएं, ये तो खड़े होने से पहले धोना था ना। भाई इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, ए ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए कुमतुम, कुमतुम असल में था कवमतुम, ज़रब तुम की तरह ना, क़याम से निकला है, तो जब तुम खड़े हो जाओ नमाज के लिए तो क्या करो, चेहरे को धो। तो यहां खड़े होने से मुराद खड़े होने का इरादा है, यानी इज़ा अरदतुमुल क़ियामा इलस्सला, ए ईमान वालो जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने का इरादा कर लो, तो इरादे के बाद वुज़ू है, तो फेल बोलकर मुराद क्या है, लफ्ज क्याम का इस्तेमाल हो रहा है, मुराद इरादा क्याम है, क्याम नहीं है, इरादे का लफ्ज यहां छुपा हुआ है, वहां दावे का लफ्ज छुपा हुआ है, समझ रहे हैं? तो ये सब अकलमंदों से कलाम है ना, तो अकलमंद समझ जाते हैं क्या छुपा हुआ है। जैसे मैंने बार बार बताया ना, मैं कहता हूं तो तीन प्लेटें खा गया, तो अकलमंद समझ जाएगा प्लेट नहीं खाया, प्लेट के अंदर जो बिरयानी थी वो खाया, बेवकूफ पकड़ के बैठा रहेगा प्लेट कैसे खा गया भाई, वही हो जाएगा तू इंसान था मैंने तुझे गधा बनाया, जौनपुर वाला किस्सा हो जाएगा, तो देहाती ले गया कि भाई इसको भी गधा बना दो, गधे को इंसान बना दो, सॉरी उसने कहा तू गधा था मैंने तुझे इंसान बनाया, तो जौन वो काजी ले गया कि देहाती ले गया अपने बच्चे गधे को कि ये गधा था तुम इसको भी इंसान बना दो, ठीक है ना, उसने कहा मसाला लगेगा तो बन जाएगा इंसान कुछ दिनों। तो यहां भी यही है, हुदल लिल मुत्तकीन, यहां तकवे से इरादा तकवा मुराद है, मुत्तकीन से परहेजगार नहीं, वो लोग जो परहेजगार बनने का इरादा रखते हैं, यानी वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनको सीधा रास्ता मिले
और सीधा रास्ता मिले का मतलब क्या, उनको पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है, ताकि गलत से बचें और सही पर चलें। जो ये चाहेंगे उनको इससे हिदायत मिलेगी। क्या मतलब? सीधा रास्ता नजर नहीं आएगा, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक मिलेगी इससे। नहीं आ रही बात? तो इसलिए अल्लाह ने बता दिया, जिनको हिदायत नहीं मिली ना, जिन कमबख्तों को, पढ़ पढ़ के पागल हो गए वो, फिर वहीं के वहीं, वो चाहते ही नहीं है, या वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीदी नीयत से पढ़ते हैं कुरान को। वरना जो आदमी न्यूट्रल होके बिल्कुल हकीकी लिबरल बन के पढ़ेगा कुरान, वाकई में लिबरल होगा वो, नाम निहाद लिबरल नहीं, वो बिल्कुल लिबरल होके कुरान पढ़ेगा, तमाम फासिद चीजों को, अपने बाप दादा की रसूमात को और सब कुछ को साइड पे लगा के बिल्कुल न्यूट्रल होके कुरान का मुताला करेगा, तो कुरान कहता है कि उसको सीधा रास्ता नजर भी आएगा और चलने की तौफीक भी मिलेगी। और सहाबा और ताबीन, बड़े बड़े लोगों के हम वाकयात देखते हैं कि दो दो आयतें सुन के पागल हो गए। वो नजाशी का जो मशहूर वाकया है कि हजरत जाफर तैयार ने उसके सामने जब सूरह मरियम की आयतें तिलावत की, रो रो के पागल हो गया भाई, पहली दफा कुरान सुन रहा था। और सारे पादरी, चूंकि वो न्यूट्रल थे, उनको इस्लाम से दुश्मनी नहीं थी, ना कोई मुसलमानों से उनकी जंगें हुई थी, ना कोई इस्लाम से दुश्मनी थी, तो कुछ भी नहीं, न्यूट्रल होके जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा ये तो वही तौरात है, वही इंजील है, जो उसी जैसा कलाम है, और मुसलमान भी हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफे भी भेजे। तो इसी तरह वो जो हिरकल बादशाह, वो भी सुन के मुसलमान हो गया था, लेकिन उसने इस्लाम का, मुसलमान का मतलब उसको समझ में आ गया सच्चा दीन है, तो उसने अपनी कौम के सामने इस्लाम पेश किया। बादशाह था, उसने कहा भाई ये है, तो कौम जो थी ना वो बिगड़ गई, तो उसको डर हुआ कि मेरे खिलाफ बगावत हो जाएगी, तो फिर उसने यू टर्न ले लिया, ठीक है ना, वरना वो भी मान गया था। तो अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, जो चाहते हैं ना कि सीधा रास्ता मिले, तो उनके लिए ये, यानी तो क्या मतलब, मुत्तकी बोलकर वो जो मुत्तकी बनना चाहते हैं उनको ये सीधा रास्ता दिखाएगा।